जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, से वेनिश न्यूज में आपका इस्तकबाल है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रियासत नगर में घर के सामने कचरा डालने से एतराज करने पर किया गया हमला। आइए सुनते हैं तफसीलात मुतासिरा शख्स की जुबानी। बहुत रहा तो उठा लेते हम रोज, तीन तीन थैले लाके डाल दिया भाई भरे हुए। फिर बोले साहब, वो बोलेगा छुटिया दिख रहा तो मेरे को गाली देता, बोल के घमा घम मारना शुरू कर दिया। उनके अम्मा बोले सो लोच रहे, दोनों मार रहे हैं कर रहे हैं, मैं पूरा अपने को बचाने में करने में पीछे हटा करा तो पूरे आजू बाजू वाले कचरा ला रहे, हमारे कचरा भाई उनके पूरा ला रहे हैं, हमारे घर के सामने गाड़ियाँ रख देते कर देते। तो बोले सो मैं वो बात पे मारना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे को मारना शुरू करे करके मारे गली के दुकानों वाले लोग आके छुड़ाए करे। तो मैं बोला सो अल्लाह क्या आती भी ठहर तेरा बताता हूँ करता हूँ, बोल के अंदर के घर में लो ठहर तुम लोगों का बताता हूँ बहुत हो रहा तुम लोगों का। तो मैं लगा क्या आती भी, हम लोग क्या करें भाई, मैं बड़े भाई को और हमारे और एक दो भाइयों को बोला, मैं इन्हों ऐसा ऐसा करे ये वो करे, बोला तो गया मैं आए क्या हुआ बात करने बुलाए, उन्होंने कितने की दोस्तों को बुला के रख लिए भौने होने कितने को तुम लोगों का बताता हूँ, बल्कि पूरों के साथ आए फिर मारम पीटी चालू कर दिए। फिर वो मारम पीटी में हम बचाने करने में हम भी थोड़ा बहुत हो गया, ये वो हो गया करा वो सब और उल्टा उल्टा बोले सो फिर जाके हमारा केस कर दिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती केस करके हमारे पे बोले सो पीएस में बोलते जाते कि सीधा बिठा लो इन लोगों को, बोल के शॉर्ट वीडियो निकाल के भेज दिए। अगर करके डाले पूरी लड़ाई कहाँ से शुरू करे कौन छेड़े अगर मालूम करना है तो पूरी शुरू से वीडियो आप लगा निकालने लगा हो, डीवीआर निकालने लगा के पूरी डीवीआर पुलिस वालों से निकाल के। आपके घर के पास कचरा रखे हो? हमारे पास कचरा रखे तो मैं हटाया तो वो जबरदस्ती रखो बोल के दादागिरी कर रहे हैं। मैं आखिरी में रख लो भी बोला, मैं भाई रख दो हमारे कुछ से कुछ मतलब नहीं है बोलता, फिर जबरदस्ती ये वो ये बोल रहे। और वो जो मैं ये रियासत नगर में हुआ और ये जो मैं गेट को ढकला बोल रहे वो गवर्नमेंट की गली है, वो गली को बोले से गेट लगा के बंद कर लिए, बंद कर लेके वो घर में घुसा बोल के गलत फहमी डाल रहे हैं हमें, ये गलत बात है। ये मैं वो रोड को बोले सो गली में बोले सो गेट लगा लिया, उन्होंने पूरी गली भी कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लेके बोले तो वो हमारा घर है बोल रहे, वो उससे हमारे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ सैयद अबू बकर है। मेरे भाई को लोग कलीम वगैरह इसके रिश्तेदार मिलके पूरे मारे। पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई कचरा मेरे घर के सामने ला के रख रहे हैं वो लोग, और कचरा ले निकालो बोले तो जानबूझकर उनको मारे। और मैं आके पूछा कई को मारे मेरे भाई को बोले तो मेरे को भी मारना, तेरे को भी मारते, उसको भी मारते, सबको तुम्हारे को मिला के मारते, बोल के टाइगरी कर रहे हैं दादागिरी कर रहे हैं इन्हों कलीम और इनके बहन भाई वगैरह इनके खलेरे भाया वगैरह। और पुलिस से मैं और ये लोग मेरा नाम रियासत नगर में मेरा मकान है और ये लोग सामने रहते हैं हमारे घर के, और ये लोग बहुत ज़्यादा जुल्म कर दे रहे हैं, गाड़ियाँ रख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये वीडियो मीडिया में ये लोग गलत अफवाह फैला, 30 सेकंड की 25 सेकंड की वीडियो बता के क्या बोल रहे हैं, हम लोग हाँ बोलते से उनके ऊपर मारे करे बोल रहे हैं। हालांकि आधे घंटे की वीडियो है वो, और वो पूरी डीवीआर अगर निकाल के अगर देखे तो आपको पता चलता कौन किसको मारे क्या करे। ये लोग ग्रेनेडा फेंक के हमारे को मारे, हमारे ऊपर जुल्म करे, हाथा पैरा बड़े हमारे भांजे को भी मारे, उसके भी हाथ फ्रैक्चर है, कंबर फ्रैक्चर होगी, पैर फ्रैक्चर हो गया, और बोलते सो नाहक के जुल्म कर रहे हैं ये लोग। और इन पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी डीवीआर मंगा के पूरी तरीके से छानबीन करे और इन गलती किसकी है देखे और इनके खिलाफ़ सख्त एक्शन ले। और ये लोग मुख्तलिफ बातें हम तेरे को भी नहीं छोड़ते, और हमारे को इन लोगों से ख़तरा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग हमारे को, हमारे छोटे भाई का इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये लोग इससे पहले भी हमेशा घर के हमारे अपने घर की लगाने हमारे घर का अपने घर के सामने पकाना छोड़ के हमारे घर के साथ पूरी दीवार काली कर दे रहे हैं पका के करके, और हमको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं।
हालांकि हम उनको तकलीफ नहीं दिए, उन्होंने हमारे को ना हक़ से जुल्म करे हमारे ऊपर। जो सीसीटीवी कैमरे बोल रहे हैं आपके पास लगे हुए नहीं, ये उनके पास है, इसलिए वो लोग ब्लर करके 25 सेकंड की वीडियो बताए खाली। पूरी वीडियो अगर देखे आप तो पता चलेगा हकीकत क्या है। उन्हीं के कैमरे से 30 सेकंड की वीडियो बताए लोग, पूरी वीडियो नहीं बताए उन्हीं के कैमरे की। जो लोग जो फतरे गनेटा फेंक के मारे और बड़े बड़े नाटा फेंक के जो मारे है, सब हमारे वाले साहब को भी मार लग गया, उनको उन्होंने भी कमर में दर नीचे गिर गए थे, उन्होंने उनको घर में उन्होंने भी दवाखाने को जाके अभी आए, उनको नहीं ला सकते, बहुत तकलीफ में। कितने लोग जख्मी हैं? तकरीबन हमारे पास से 5-6 आदमी जख्मी हो गए, उसमें से तीनों हम लोग कंप्लेंट करा दे, हम लोग FRI करा रहे हैं, वही जा रहे थे। क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस से? वही हम लोग जा रहे हैं, MLC करा के आओ बोल के बोले पुलिस वाले, MLC करा के रिपोर्ट देने जा रहे हैं हम लोग PS को। पुलिस से हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ करेगी, पूरी वीडियो निकाल के, संतोष नगर PS है ये, इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है कि इंसाफ करेगी पुलिस, और ये लोग ना हक के जुल्म करें। हम कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़े, हालांकि उनका ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो ये लोग कैसे है पता चल जाएंगे आप लोगों को। बस कचरा डाल रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम बराबर डालते हैं, ये हमारा है बोल रहे हैं। अरे दूसरों के घर का नहीं कचरा डाल के हमारा है कैसे बोलते हैं? पहले तकलीफ दे के गाड़ियाँ रख दे रहे हैं, लोगों को जाने आने तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ पहुँचा रहे हैं लोग। बस्ती के और भी लोगों को शिकायत है इसकी? हाँ, और भी लोगों को शिकायत है, गाड़ियाँ वहाँ से पास नहीं हो रहे, बीच में रास्ते में गाड़ी रख दे रहे हैं, और हमारा चबूतरा तक तोड़ दिया वो गाड़ी रखने की वजह से, उन लोग हमारे तोड़ने लगा थे, जान दो बोल के हम तोड़ दिए, जान दो बोल के भाई पड़ोसी है ना बोल के जान दो, गाड़ियाँ जाने तकलीफ होती, उन्होंने गाड़ी रोड पे रख दी, आप जाके देख सकते हो। ये कलीम है, मोहम्मद कलीम है, और उनके रिश्तेदार है, और उनके और बहुत सारे लोग हैं, उनके लोग हैं, उनके नामों से वाकिफ नहीं है कौन कौन थे पता नहीं, 15-20 जने थे वो लोग पूरे, हम पे हमला करे वो लोग। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।